नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बथुआ बीज के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बथुआ का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह कई विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है जो आपको कई बीमारियों से दूर रखने में मददगार हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बथुआ का बीज भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है? जी हाँ, बथुआ की तरह ही बथुआ का बीज भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों आज हम आपको बथुआ बीज के फायदों के बारे में बताएंगे। दोस्तों बथुआ के बीजों में रक्त पित्त जोड़ों में दर्द अनियमित पीरियड्स की समस्याओं को दूर करने के गुण होता है। इसके अलावा इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं बथुआ बीज के फायदों के बारे में। नंबर एक, रक्त पित्त को करे दूर। दोस्तों बथुआ का इस्तेमाल रक्त पित्त को दूर करने के लिए किया जाता है। नाक कान से खून निकलने की परेशानी से राहत पाने के लिए आप बथुआ के बीजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 ग्राम बथुआ के बीजों का चूर्ण बना लें। अब शहद के साथ इस चूर्ण का सेवन करें, इससे आपको रक्त पित्त में काफ़ी लाभ मिलेगा। नंबर दो, जोड़ों में दर्द से राहत। दोस्तों जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आप बथुआ के बीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए 10 ग्राम बीजों को करीब 200 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। इस पानी को तब तक उबालें जब तक यह 50 मिलीलीटर न रह जाए। इसके बाद गर्मा गर्म इसका सेवन करें। महीने भर सुबह शाम इसका सेवन करने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलेगा। नंबर तीन, दांतों के दर्द से आराम। दोस्तों बथुआ के बीजों से आप दांतों में दर्द की परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए बथुआ के बीजों को भूनकर इसका चूर्ण तैयार कर लें। अब इस चूर्ण से अपने दांतों को रगड़ें, इससे दांत दर्द से छुटकारा मिलेगा। साथ ही मसूड़ों में होने वाली सूजन से भी राहत मिल सकता है। इसके अलावा बथुआ की पत्तियों को उबाल कर पीने से भी दांतों के दर्द से आराम मिलता है। नंबर चार, अनियमित मासिक धर्म में असरकारी। दोस्तों पीरियड्स में अनियमितता को दूर करने के लिए बथुआ के बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीरियड्स की अनियमितता को दूर करने के लिए आप बथुआ के बीजों और सौंठ को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर तैयार कर लें। फिर 400 मिलीलीटर पानी में करीब 15 से 20 ग्राम पाउडर मिलाकर पानी को अच्छे से उबाल लें। जब पानी 100 ग्राम रह जाए तो इसे छानकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इस नुस्खों को अजमाने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। नंबर पाँच, लीवर के लिए फायदेमंद। दोस्तों लीवर की परेशानियों को दूर करने और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए आप बथुआ के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इससे लीवर के आसपास की शक्ति भी दूर होती है। पीलिया की समस्या से ग्रसित होने पर 6 ग्राम बथुआ के बीजों का सुबह शाम सेवन करने से पीलिया रोग से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 6, चेहरे के दाग धब्बों को दूर करें। दोस्तों चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए बथुआ के बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बथुआ के बीजों को सिल पर अच्छे से पीस लें। अब इस पेस्ट को उबटन की तरह अपने शरीर पर लगाएं, इससे शरीर पर मौजूद मैल साफ हो जाएंगे। साथ ही चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो सकते हैं। नंबर 7, पेट के कीड़े। दोस्तों पेट में कीड़े हो जाने पर बथुआ के बीज का सेवन करें। खास तौर पर अगर आपके बच्चों को पेट में कीड़ा हो गया है तो इसके बीजों को पीसकर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर अपने बच्चों को चटाएं, इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों बथुआ के बीजों का इस्तेमाल करके आप कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी परेशानी गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें।